हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, क्या होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस किसी भी चीज़ का अक्रेंस होने का चांस, कोई भी चांस है, जैसे आज बारिश हो सकती है, इंडिया मैच जीत सकता है, तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी। जैसे कॉइन है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो ये सब चीज़ है प्रोबेबिलिटी। तो हमने प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट पार्ट में उसका बेसिक पढ़ा था, और बेसिक्स में हमने कुछ टर्म्स डिस्कस की थी, जैसे ट्रायल क्या होता है, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। तो ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिक हमारा किया था प्रोबेबिलिटी का। तो अब हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो हमें आएगा वो किस तरह से आएगा, हमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि हमें कॉइन के क्वेश्चंस आएंगे, हमें डाइस के क्वेश्चंस आएंगे, हमें कार्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, प्लेइंग कार्ड्स के। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे हमें एग्ज़ाम में, तो हमें किस तरह से उनको सॉल्व करना है वो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कॉइन पढ़ने जा रहे हैं कि कॉइन के हमें एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का सेक्शन है, ये हमारे अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में भी है, और चाहे हमारा जो फोर्थ क्लास का सिलेबस है उसमें भी हमारा प्रोबेबिलिटी का सेक्शन है, और आपका जो जेके बैंक का है उसमें भी आपका प्रोबेबिलिटी है। तो ये वीडियो तीनों को कवर कर रही है। आप चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेके एसएसबी फोर्थ क्लास की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे आप अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तीनों में प्रोबेबिलिटी आएगा। तो ये कंबाइन वीडियो है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी का, कॉइंस। तो देख लेते हैं क्या है कॉइंस। तो बेसिकली कॉइंस आप सबको पता है, सिक्का हो गया, उसमें एक साइड होता है हेड और एक साइड होता है टेल्स। तो जब भी आपने देखा होगा क्रिकेट के मैचेस होते हैं, तो हम कॉइन से क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो कॉइन से टॉस करते हैं, एक साइड आता है हेड और एक साइड है टेल। तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी है। अब दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी, उनके बीच टॉस होगा। अब किसी को नहीं पता कि टॉस कौन जीतेगा। अब कॉइन में 50% प्रोबेबिलिटी है, 50% इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, 50% चांसेस हैं इंडिया के जीतने के टॉस, और 50% चांसेस हैं कि पाकिस्तान टॉस जीतेगा। तो इस तरह से क्या है, चांसेस हैं 50% कि कॉइन का अगर हेड आ गया तो 50% है, और 50% क्या है, टेल है। तो ये है कॉइन के बारे में। तो देखते हैं कुछ और। कॉइन में आ गया हमारा हेड, एक हो गया हमारा हेड और एक हो गया हमारा टेल। अगर कॉइन टॉस करेंगे, या हमारा हेड आएगा या फिर हमारा टेल आएगा। अब दोनों नहीं आ सकते, या तो ऊपर वाली सतह जो होगी वो हेड होगी, या हमारी क्या होगी, टेल होगी। तो कॉइन में क्या, हेड और टेल। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, वो कितनी है, टू है हमारी, कौन सी, हेड और टेल। तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, चाहे हमारा हेड आ सकता है या हमारा टेल आ सकता है। अब दोनों नहीं आएगा, या फिर खाली कुछ कॉइन नहीं होगा, क्योंकि दो साइड है उसकी, एक हेड और एक टेल है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनेंगी, वो टू ही बनेंगी सिंगल कॉइन की। तो अब देखिए कंडीशंस देख लेते हैं कुछ। इफ फेवरेबल आउटकम इज हेड, अगर फेवरेबल आउटकम हमारी हेड है, हमने हेड मांगा, अब टॉस हुआ और एक टीम ने मांगा हेड, तो फेवरेबल आउटकम क्या आ गई, हेड आ गई। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो कितनी फेवरेबल आउटकम्स होंगी, हेड, हेड एक ही होगा, तो क्या आ गया, वन। तो फेवरेबल आउटकम हमारी हेड है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, वन है, क्योंकि हेड एक ही है कॉइन में। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब टॉस होगा उसके कितने चांसेस हैं कि वो हेड आ सकता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इक्वल्स टू क्या है, फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या है मतलब, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी है जो हमें चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए। अगर टेल चाहिए होता तो हमारी फेवरेबल आउटकम क्या थी, टेल। टेल भी क्या है, वन है, वो देखते हैं आगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारी, जो हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए हेड चाहिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, ये हमने पढ़ा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम टू, एक आगे हमारी हेड और एक आगे हमारी टेल। तो बस यही फॉर्मूला है, इसी पे है हमारा क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, वन है हमारी, आ गया हमारा वन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने, टू, वन अपॉन टू हमारा आंसर। दैट्स इट, इतना सही है क्वेश्चन। कि अगर एक कॉइन है और उसकी प्रोबेबिलिटी हेड की पूछी होगी, तो हमने सीधा करना है, ये तो हमने फॉर्मूला बेस्ड किया है, आपने सीधा करना है कॉइन है,
हेड पूछा है, कॉइन में कितने, टू आगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल कितनी है, एक है, सो सीधा 1/2 आंसर डायरेक्ट विद इन सेकेंड्स। अब सेकेंड देख लेते हैं क्या हमारा, इफ फेवरेबल आउटकम इज टेल, अगर तो फेवरेबल आउटकम हमारी टेल है, पहले हमने पढ़ी हेड, अब है हमारी फेवरेबल आउटकम अगर टेल है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी होगी, टेल कितने बार आएगा एक कॉइन में, एक ही बार आएगा, तो क्या आ गया 1, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आ गया 1। प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारी, फेवरेबल हमने क्या मांगा है टेल, तो टेल आने की कितनी चांसेस है 1, तो फेवरेबल आउटकम कितनी है 1 अपॉन आ गया हमारा 1 अपॉन, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितनी आ सकती हैं, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 2, दैट्स इट आंसर 1.2 हमारा क्या आ गया आंसर। अगर सिंगल कॉइन है और आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है हेड की या टेल की, तो सीधा आंसर आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है, सॉल्व भी नहीं करना 1/2, क्यों, टोटल तो 2 आएंगे, हेड और टेल पूछा क्या है, हेड पूछा है तो हेड एक ही आएगा और टेल पूछा है तो टेल भी एक ही आएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया है कॉइन का ये बेसिक है, कॉइन में हेड और टेल होते हैं और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगे, 2 होंगी हेड और टेल, ओके सिंगल कॉइन आ गए, तो इफ फेवरेबल आउटकम इज हेड, अगर फेवरेबल आउटकम हेड है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी, 1 होंगी, तो हम फॉर्मूला लगा के करेंगे 1/2, अगर टेल है तो टेल में भी इसी तरह से करेंगे, टेल एक ही बार आएगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 2 हैं, तो क्या आएगा 1/2। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट चलते हैं अब। तो गाइज अब देख लेते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है, तो सैंपल स्पेस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर अ कॉइन, अगर हमारा एक कॉइन है, सिंगल कॉइन है, तो सैंपल स्पेस क्या आएगी, एक हेड आएगी और एक टेल आएगी। अब एक ही कॉइन है तो या फिर वो हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा, इसके सिवाय कुछ आ नहीं सकता, जा हेड जा टेल। अब अगर देख लेते हैं कि फॉर टू कॉइन्स, अगर दो कॉइन है हमारे पास, दो कॉइन होगी तो सैंपल स्पेस क्या आएगी, देखिए दो अगर हम टॉस कर रहे हैं, दोनों कॉइन टॉस किए, अब इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा कुछ ना कुछ, अब क्या आ सकता है, या तो दोनों में हेड हेड आए, दोनों में हेड हेड आ सकते हैं, या पहले में हेड और दूसरे में टेल आए, या पहले में टेल और दूसरे में हेड आए, या दोनों में टेल आए, इसके सिवाय कुछ नहीं आ सकता, यही चार आउटकम्स आएंगी, या दोनों हेड आएंगे, या एक हेड एक टेल आएगा, या एक टेल और एक हेड आएगा, या फिर दोनों के दोनों टेल आएंगे। तो यही है सैंपल स्पेस किसकी, जब दो कॉइन हम टॉस करेंगे, तो इसके सिवाय कुछ नहीं आ सकता। अब देख लेते हैं अगर तीन कॉइन्स का क्वेश्चन आ गया, हमें थ्री कॉइन्स आए तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगी, देखिए तीन कॉइन है हमारे पास, तीनों टॉस किए, अब एक प्रोबेबिलिटी यह है कि तीनों के तीनों क्या आएंगे, हेड आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं तीनों के तीनों हेड, उसके बाद पहले दो हेड और एक टेल आ जाए, फिर पहला हेड दूसरा टेल और तीसरा हमारा हेड आ जाए, पहला टेल और नेक्स्ट दो वाले क्या आए, हेड आ सकते हैं, तीनों के तीनों हमारे टेल आ सकते हैं, पहले दो टेल और तीसरा हेड आ सकता है, पहला टेल दूसरा हेड और तीसरा टेल आ सकता है, और हमारा पहला हेड और बाकी दोनों टेल आ सकते हैं। तो यही हमारी आउटकम्स हैं, अगर हमारे पास तीन कॉइन होंगे तो हमारा सैंपल स्पेस ये बनेगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल एंड टेल। तो ये हमारी सैंपल स्पेस बनेगी अगर तीन कॉइन होंगे। अब देखिए शॉर्टकट कि हमें सैंपल स्पेस कैसे पता चलेगी कि कितने बनेगी, यहाँ देखिए दो बनी है आउटकम्स हेड एंड टेल, यहाँ कितनी, एक दो तीन और चार, यहाँ कितनी, तीन में एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। अब देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि कितने बनेंगे, अब आप बना रहे हो, आपको सपोज एक भूल जाए तो आपको जो माइंड में ही नहीं आएगा तो आप इतनी सात बना देंगे, बट अगर आपको पता होगा कितनी बन सकती हैं तो आपको पता है कि एक कम हो रही है तो आप सोचोगे और वो बना दोगे। तो सैंपल स्पेस बनाने के लिए फॉर्मूला है क्या है, 2^n, सैंपल स्पेस हमेशा ऐसे बनेगी 2^n। अब देख लीजिए फॉर अ वन कॉइन, एक कॉइन है
वन के लिए कैसे बनेगी, टू रेज टू पावर वन विच इज इक्वल टू टू। अगर टू के लिए बना रहे हैं, टू के लिए क्या है, टू रेज टू पावर टू विच इज इक्वल टू फोर, वन टू थ्री और फोर। अब थ्री के लिए बनाना है हमने, थ्री के लिए क्या बनेगी, थ्री रेज टू पावर सॉरी टू रेज टू पावर थ्री, टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट। देखिए एट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये हमारी थी एट। तो सैम्पल स्पेस बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली टू की हमें पावर ले लेनी है जितने हमें पूछा गया। अगर एक पूछा गया तो एक पावर आ जाएगी, दो पूछा है तो दो, तीन पूछा है तीन। अगर फोर के लिए पूछा होगा तो हम क्या करेंगे, टू रेज टू पावर फोर कर देंगे। फाइव के लिए होगा तो क्या करेंगे, टू रेज टू पावर फाइव कर देंगे। तो इतने बड़े एग्जाम में नहीं आते, ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्री तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वन कॉइन टू कॉइन और थ्री कॉइन। तो यही सैम्पल स्पेस होगी, इसी के बेसिस पे हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे कॉइन के वो निकलेंगे। जैसे हमने पहले एक एग्जाम्पल देखी थी सिंगल कॉइन का किया था, तो हमारा क्या आया था, हमने हेड निकाला था। तो क्या था, हेड हमारे पास एक आई थी आउटकम, और टोटल कितनी थी हमारी यहाँ पे दो थी, तो 1.2 आंसर हो गया था। तो ये किया था हमने सिंगल कॉइन में। तो अब हम डबल में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको क्या होगा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि डबल का हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने सिंगल का किया था, अब डबल का देख लेते हैं, फिर हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ये जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे हमें कॉइन्स के, वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। दो ले लेते हैं, टू कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली मतलब कि जब हम दोनों कॉइन्स को इकट्ठे टॉस करेंगे, दोनों को इकट्ठे टॉस करेंगे तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, वन हेड की। हमें एक हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमने क्या करना है, दो कॉइन जो होंगे हमारे उनको हमने टॉस करना है। तो गाइस निकालते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कितने हैं, टू कॉइन्स हैं, तो सैम्पल स्पेस देख लेते हैं हम कितनी आएगी हमारी, क्या आएगी। आप यहाँ पे शॉर्ट में देखिए, टू रेज टू पावर टू कितना आएगा हमारे पास, फोर। तो फोर बनना चाहिए, एक आएगा हमारा हेड हेड, एक आएगा हेड और टेल, एक आएगा टेल और हेड, और आएगा दोनों टेल। यही सैम्पल स्पेस आएगी, दोनों हेड आ सकते हैं, या एक हेड और एक टेल आ सकता है, या एक टेल और एक हेड आ सकता है, या फिर हमारे दोनों के दोनों टेल आ सकते हैं। तो ये आ गई सैम्पल स्पेस। तो अब हमें क्या करना है, निकालनी है प्रोबेबिलिटी वन हेड की। अब देखो एक हेड कहाँ है, यहाँ पे एक हेड है, देखिए नहीं, क्यों, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे क्या है, दो हेड हैं। हमें पूछा है कि सिर्फ सिंगल हेड होना चाहिए, यहाँ पे है हेड, बिल्कुल एक हेड है हमारे पास, यहाँ पे देखिए एक हेड है हमारे पास, बिल्कुल है, और यहाँ पे क्या है, दो टेल हैं। तो हमारे पास कितनी जगह आ गए, एक हेड सिंगल हेड, हमारे पास दो जगह आ गए, हेड टेल और टेल हेड। तो निकाल दीजिए कितने हैं यहाँ पे, टू अपॉन टोटल कितना है, फोर विच इज इक्वल टू वन बाई टू आंसर, दैट्स इट। तो बस ऐसे ही गाइज इसको सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी हमने इसको सॉल्व किया। हमारा देखिए सैम्पल स्पेस क्या आ गया, फोर आ गया, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे, हमारे पास वन हेड पूछा था तो हमने क्या कर दिया, हेड देखा कहाँ पे सिंगल हेड है तो वो दो जगह है, तो टू अपॉन फोर आ गया, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल हमारे पास फोर है सैम्पल स्पेस, अपॉन फोर इक्वल्स टू वन बाई टू। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, उसमें क्या कंडीशन है, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा है वन हेड है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। अब हमारा क्या क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है सेम, बट यहाँ पे क्या है, एट लीस्ट वन हेड। वहाँ पे हमारे पास क्या था, वन हेड था, यहाँ पे हमने लिया है एट लीस्ट वन हेड।
कि इसका मतलब क्या है, वन हेड का मतलब था कि एक हेड होना चाहिए, सिर्फ एक हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, हमारा दोनों में से क्या होना चाहिए, हमारा कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो गाइज इसको सॉल्व करते हैं हम, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे आएगा हमारा सैंपल स्पेस आएगा, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, कितना है 2 raised to power, हमारे पास क्या आएगा, कितने हैं 2 coins हैं, 2 raised to power 2 equals to 4, हमारे सैंपल स्पेस 4 आएगी। हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल, तो ये आ गई हमारी सैंपल स्पेस। दोनों हेड आ सकते हैं, हेड टेल आ सकते हैं, टेल हेड आ सकता है, और टेल और टेल दोनों आ सकते हैं। अब देखिए ये आ गई हमारी सैंपल स्पेस। अब हमने निकाली है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हमें देखिए क्या पूछा है, एटलीस्ट वन हेड, कि हमारा कम से कम एक हेड होना चाहिए। यहाँ देखिए कम से कम एक हेड है, बिल्कुल, यहाँ पे 2 हेड है, पूछा कि कम से कम एक होना चाहिए, तो ये भी ट्रू है, ये भी हमारी ट्रू है, ये भी हमारी ट्रू है, और ये फॉल्स है। इसमें भी एक हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें दोनों टेल हैं, तो क्या बन गया, कितने हैं 1, 2 और 3, तो क्या आ गई प्रोबेबिलिटी 3/4 आंसर, दैट्स इट। बस इसी तरह से सॉल्व करना है। बस हमें कहाँ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को हमने समझना है कि वहाँ पे एटलीस्ट वन हेड पूछा है या वन हेड पूछा है। अगर तो सिंगल हेड पूछा होगा तो हमने क्या करना है, सीधा एक हेड ढूंढना है और सॉल्व कर देना क्वेश्चन। अगर एटलीस्ट वन हेड है तो कम से कम हमारा एक हेड होना चाहिए, उसमें एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 2 हेड भी हो सकते हैं, अगर 3 कॉइन है तो 3 हेड भी हो सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में गाइस यहां पे आ जाए 1 tail, वन टेल, तो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 tail व्हेन 2 coins आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली। तो अगर टेल आ जाए, हमने हेड का किया था, टेल आ जाए, कॉइन कितने हैं 2 हैं, तो सैंपल स्पेस यही आएगी, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालिए क्या है, एट लीस्ट 1 tail, इसका क्या मतलब है कि एक टेल होना चाहिए कम से कम। यहाँ पे देखिए दोनों हेड हैं, नहीं होगा, यहाँ पे एक टेल है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी एक टेल है, बिल्कुल है, यहाँ दोनों टेल हैं, तो ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि हमें एट लीस्ट पूछा है कि कम से कम हमारा एक टेल होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास कितने टेल हैं, 1, 2 और 3, एटलीस्ट 1 tail, तो क्या आ गया 3/4 कितने 4 आंसर, तो सेम आंसर आएगा, तो आंसर कितना आ गया हमारा 3/4, क्योंकि हमारे पास 3 जगह हमारे पास टेल है और हमारे पास जो टोटल कितने हैं वो 4 है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास जैसे हमने पहले लिया था कि यहाँ पे आ जाए 1 tail, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 tail व्हेन 2 coins आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली, तो ये भी देख लेते हैं, आपको फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हेड हेड कैसे निकाल रहे हैं और टेल का कैसे। अब देखिए सैंपल स्पेस हमारी सेम होगी क्योंकि 2 coins हैं, तो जितने कॉइन्स होंगे सैंपल स्पेस सेम रहेगी, क्वेश्चन चाहे जिस तरह का मर्जी हो, तो सैंपल स्पेस ये आ गई। प्रोबेबिलिटी निकालो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 tail, हमने एक टेल की प्रोबेबिलिटी निकाली कि कहाँ एक टेल है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है बिल्कुल है, यहाँ पे है बिल्कुल है, यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे कितने हैं 2 tail, तो कितनी जगह आ गई हमारे पास, 2 जगह आ गई हमारे पास सिंगल टेल, 1 tail, तो क्या आएगा 2/4 विच इज इक्वल टू 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2 आंसर। तो इसी तरह से हमने सॉल्व करना है, चाहे हमारा हेड पूछा जाए चाहे हमारा टेल पूछा जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने उसकी सैंपल स्पेस निकालनी है। तो सैंपल स्पेस निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि 2 की पावर ले लेंगे हम, चाहे हमारे पास अगर 1 coin है तो आ जाएगा 2 raised to power 1, अगर 2 coin है तो 2 raised to power 2, अगर 3 coin है तो 2 raised to power क्या आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। फर्स्ट हमारा स्टेप होगा कि हमने सैंपल स्पेस उसकी निकाल देनी है। अब सैंपल स्पेस निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन की कंडीशन देखनी है कि हमें हेड पूछा है या टेल पूछा है। तो यो पूछा होगा हमने वो, अगर एटलीस्ट 1 tail पूछा है तो हमने वो कंडीशन देखनी है जहाँ पे हमारा कम से कम एक टेल हो, और अगर पूछा है सिंगल सिर्फ 1 tail पूछा है तो हमने क्या करना है, हमने एक ही टेल जहाँ है वो लिखना है। अगर यहाँ पे हमें पूछा हो कि 2 tails, यहाँ पे अगर आ जाए प्रोबेबिलिटी है 2 tails
अब देखिए टू टेल्स कहाँ पे है, फिर क्या हो जाएगा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स है, ये कंडीशन भी देख लेते हैं। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स, हमने दो टेल देखने, तो दो टेल कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे बिल्कुल है, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/4 आंसर। और अगर यहाँ पे टू हेड्स हो जाए, टू हेड्स हो जाए, तो देखिए टू हेड्स किधर है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, बिल्कुल है यहाँ पे, तो हमारा कितना आएगा 1 ही आएगा, तो क्या आएगा 1/4 आंसर हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको ये जो वीडियो थी ये समझ आया होगा, लेक्चर हमारा प्रोबेबिलिटी का जो हमने कॉइन्स पढ़ रहे हैं, तो कॉइन्स का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट होगा कॉइन्स के रिलेटेड या जो पिछली क्लास पढ़ी हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक के रिलेटेड, तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो से पहले आप बेसिक देख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी की जो वीडियो है फर्स्ट वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप जो प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट वीडियो है वो देख सकते हैं। और सबसे पहले बेसिक पढ़िए, उसके बाद आप ये कॉइन वाली वीडियो ज़रूर देखिए। तो अगर कोई डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो गाइज तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ हमने टू कॉइन्स देखें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे थ्री कॉइन्स वाले, और भी जो क्वेश्चंस हमारे आएंगे। तो गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे।